हाय, कैसी हो? एक्सक्यूज मी, अब जाओ यहाँ से। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही थी, तुम ना काफ़ी अच्छी लग रही थी, और तो मैंने यहाँ सोचा आके बात कर लूँ तुमसे, और थोड़ा परेशान सी भी लग रही हो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, अब जाओ यहाँ से। मैं बोल रही हूँ, मुझे मैं नहीं जानती आपको, अब जाओ यहाँ से। यार आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं बोला आपको। जबरदस्ती थोड़ी ना, आप जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मत करना बात, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकती हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ जाओ। यार मैं एक लड़की हूँ, तुम भी एक लड़की हो, तो लड़की लड़की से डिस्कस कर सकती है ना अगर कुछ प्रॉब्लम। अरे यार रोने क्यों लग गई, एक मिनट। हेलो, क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ईशु। ईशु, क्या हुआ तुम्हें यार? कहाँ से हो तुम? कहाँ से हो? लास्ट पंतनगर से। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, रो क्यों रही हो? कुछ सब कुछ ठीक है ना? इज एवरीथिंग ओके? मैंने किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लड़की हो इसलिए बता रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पे, बहुत, लेकिन सब लड़के थे, लेकिन आप लड़की हो ना, मुझे लगता है आप समझ सकते हो। बताओ ना प्लीज़, मुझे बताओ, अगर मेरे हाथ में जो होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्या हुआ है जो आप लड़कों को बता सकती हो? लेकिन लड़कों को नहीं बता सकती हो, लड़कियों को बता सकती हो, यहाँ पे कोई नहीं है, टेंशन मत लो। एंड मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहीं पे ही रहती हूँ, सो कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे घर चल सकती हो। कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर करो, एज अ सिस्टर, एज अ गुड फ्रेंड, प्लीज़। मैं आपको जानती नहीं, मुझे पता है, बट कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंसानियत के नाते हम किसी की हेल्प तो कर ही सकते हैं ना यार। क्या हो गया बताओ? मुझे ना फील्स हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैं कब से कांटेक्ट कर रही हूँ अपनी फ्रेंडों को कॉल करने की, बट नहीं मिल रहा किसी का फोन। मेरी इतनी अच्छी हालत भी नहीं है जिससे मैं चल सकूँ घर तक। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ। मतलब क्या आपके मतलब कपड़े खराब हो गए हैं क्या, ऐसा कुछ है? पूरी गंदी तरह, मैं चल भी नहीं सकती। तो आपने किसी को कॉल वॉल नहीं किया? किया था, कब से बोल रहे आ रहे अभी तक नहीं आए। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ घर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर पास में ही है। पहले तो यार सामने वॉशरूम है। देखो यार प्लीज़, पहले तो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। और मुझे पता है लड़कियाँ शेयर नहीं कर पाती है, और लड़के आसपास घूम रहे होते हैं तो लड़कियाँ और अनकंफर्टेबल फील करती है, उनको बता नहीं पाती है। बट मैं एक लड़की हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। और प्लीज़ यार, इसमें ना शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये नेचुरल है, इन चीज़ों से ही हम पूरी दुनिया चल रही है, आपको पता है ना, तो इसमें रोने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ ओल्ड आर यू? 19। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो आप ना, बस यहाँ पे ना 5 या 10 मिनट वेट करो, सामने 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ना मेडिकल शॉप है, ठीक है? केमिस्ट शॉप से मैं आपके लिए ना वो सेफ्टी ले आती हूँ, ठीक है? और प्लीज़ चिल, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ना बता भी नहीं पाती है, ठीक है? आप यहीं पे रुको, मैं जस्ट 5 मिनट दो मुझे, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या, और खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, ठीक है? आप यहीं पे रुको, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में मैं आ रही हूँ, प्लीज़ रोना नहीं है, हिम्मत रखो यार। लड़कियाँ तो आज के टाइम में इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, हर चीज़ एकदम मुँह फट होती है, लड़कियाँ यूँ बता देती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो नेचुरल चीज़ है ना यार, डोंट ट्राई, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है? अभी तक रो रहे हो? सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो सामने वॉशरूम है वो, देखो सामने हुआ, देखो है ना, सामने वॉशरूम है, पहले तो आप चेंज कर लो, ये ले लो, ठीक है? ओके, इसको इसी ब्लैक में ही रख लो, और वैसे शर्माने वाली क्या जरूरत है, ऐसे ही जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है? और आप खड़े हो जाओ, और ये ना शर्ट है, इसको ना कवर कर लो, ठीक है? हाथ ऊपर करो, नेचुरल है, होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, सामने वॉशरूम है, आप जाओ और फिर आओ यहाँ पे, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ, ठीक है? सामने ही आऊँगी, आप ही आना एक बार, है ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या था कि मैं एक छोटा सा करने तो फ्रैंक गई थी, लेकिन हुआ क्या, लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास थी और मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ लाइक दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है कुछ। तो फिर अब जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने ही है, लेट्स सी उसका इंतज़ार करते हैं कब वो आती है, तो उसे मैं बताऊँगी कि लाइक हम फ्रैंक शूट करने आए थे लेकिन वीडियो थोड़ा इमोशनल हो गई है। सो बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि यार ये कोई शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, शर्म आती है उन्हें बताने में किसी को भी, और वो फिर हेल्प भी नहीं ले पाते किसी से, शर्म देखते हुए किसी की हेल्प नहीं ले पाती। तो प्लीज़ यार इन चीज़ों, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब से ही पूरी दुनिया चल रही है, तो हिम्मत रखनी चाहिए लड़की को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लड़की के साथ है ऐसा, तो शर्म मत करो, नेचुरल चीज़ें हैं, कॉमन है यार, चलता है सब कुछ, सब ठीक है। अब वेट करते हैं उसका, कब वो आती है देन मैं उसको रिवील करूँगी कि यहाँ पे एक कैमरा लगा रखा था मैंने, देन देखते हैं। आ गई, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंफर्टेबल अब घर जा सकती हो, सब ठीक है। अच्छा सुनो, मैं आपको ना एक बात बता रही थी, मैं ना एक्चुअली प्रैंक करने आई थी आपके साथ, मेरा ना यूट्यूब पे चैनल है रिट्स धवन के नाम से, वो देखो वो कैमरा लगा रखा है, तो हम ना लोगों के साथ ना मजाक करते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, बट आपके पास आई ना मैं, तो मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, इमोशनल हो रखे थे, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था मेरा, बट ये है कि आपसे एक छोटा सा मैसेज मिल जाता है बाकी पब्लिक को, जो लोग देख रहे हैं हमें, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो कि ये शर्म वाली बात नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है, इनसे ही पूरी दुनिया है यार, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो इन चीज़ों में बिना शर्म किए हुए सामने वाले से हेल्प ले सकते हैं, और आज के टाइम में यार लोग इतने भी बुरे नहीं है कि इन चीज़ों को समझेगी नहीं है, ग्रीना तो आपको बताना चाहिए था, हिम्मत रखनी चाहिए। और यार मैं आपसे एक छोटी सी परमिशन लेना चाहती थी, लाइक हम यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं फनी वीडियोज, तो आपकी ये जो वीडियो है क्या मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकते हो, क्या पता आज जो मेरे साथ हो, आज तो आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे थी, कल कोई लड़की ऐसे परेशान ना हो, उसे खुद को ये देखना चाहिए, संभालना चाहिए, मुझे सीख मिलेगी इस वीडियो से, आप कर दो। बिल्कुल, तो सामने कैमरा लगा हुआ है, आप छोटा सा मैसेज देना चाहते हो कुछ भी, कि गर्ल्स की प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी जो आपके मन में आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। ये जो हम पीरियड चाहिए कॉमन चीज है, इसे हमें घबराना नहीं चाहिए, अगर जैसे अभी मेरे साथ हुआ कल को आपके साथ हो तो आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, और अनकम्फर्टेबल तो बिल्कुल फील ना करें क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। शायद मैं तो ज़्यादा बोल गई, बट जो है सो है, अभी जो जिस पे बीतती है वही जानता हो, देख सकते हो आप घबराओ मत, बस ये सोच लो कि ये कॉमन है, सबके साथ होता है। बिल्कुल, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, और यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अच्छे अच्छे वीडियोज आती रहेगी, हेल्प भी करते हैं हम लोगों की, और यार प्लीज़ इसको बिल्कुल कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज़ है, शर्माने वाली बात नहीं है, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू।